आज बन रहा है बीफ पुलाव, तो आइए जल्दी से देती हूँ रेसिपी बीफ पुलाव की। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को, मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खरे से होंगे, अल्लाह ताला अपनी जुबान में रखे सबको, उन सबको भी हमारा बहुत बहुत सलाम। जब मेरी वीडियो नहीं देखते हैं तो जनाब जल्दी से मैं बनाती हूँ। वैसे तो मैंने बीफ पुलाव की रेसिपी आपको दे चुकी हूँ अपने चैनल पर, मगर दोबारा बता दूँ, मैंने प्याज ली थी नॉर्मल तकरीबन दो, उनको फ्राई करा निकाल लिया, उसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन पिसा डाला और साबुत धनिया सौंफ एक एक चमचा लिया था, वो ग्राइंड करके इसमें डाल दी। खड़ा गरम मसाला डाला, उसमें सिर्फ जीरा नहीं है, बाकी सब गरम मसाला था। एक अदरक टमाटर एक कप भर के मैंने उसमें दही डाला था, और दही डालने के बाद फिर मैंने चावल जो भीगे हुए थे वो डाल दिए, और फिर मैंने दम पे जो है दो तीन कट करके हरी मिर्चें डाली, नमक डाला, और जो मेरे पास यखनी तैयार थी। अच्छा, यखनी मैं तैयार करके अक्सर कभी रखती हूँ, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी हो जाए या कहीं जाना या आओ तो या कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट यखनी तैयार हो, तो फटाफट से पुलाव अच्छे से तैयार हो जाता है। तो यहाँ मेरा पुलाव तैयार चुका है, फ्राई करके मैंने प्याज निकाली थी वो दम पे डालूंगी मैं, और ये मैंने तकरीबन लिए थे एक किलो से कम की चावल, और एक किलो का आधा किलो के करीब मेरा गोश्त था। तो वैसे रेसिपी आपको बीफ पुलाव की चैनल पे जाएं सर्च कर तो मिल जाएगी, मगर मैं बना रही थी, मैंने जल्दी जल्दी दे दी। और जनाब आगे जो थोड़ा सा ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी, तो भाई कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, पर्सनल पे भी आ रहे हैं और उस पर भी आए हैं कि भाई किसकी शादी जो आ रही है, वो हम जो जा रहे हैं वो किसकी शादी है, तो मैं बताती हूँ ज़रूर। तो भाई यहाँ पुलाव के साथ ज़बरदस्त सा रायता ग्रीन तैयार है और सलाद। अच्छा, ग्रीन रायते की चटनी मैं कितनी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ और दिखाया भी है कि मैं स्टॉक करके रख लेती हूँ बना के, हरा धनिया पुदीना लहसुन जीरा और हरी मिर्चों की, तो वो ये होता है कि आप भर के रख लें बना के, और कभी भी मूड हो तो निकालें और जल्दी से रायता तैयार। तो यहाँ खाना मेरा तैयार हो चुका है, किचन वाइंड अप हो चुका है, और जनाब आजकल व्लॉग थोड़ा सा स्लो आ रहे हैं क्योंकि मैं हूँ बिज़ी शादी में। किसकी शादी में वो आगे मैं आपको ब्लॉग में थोड़ा सा बता ही दूंगी। तो जनाब मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और सब पूछ रहे थे कि एमन की शादी या उमामा की शादी, किचन विद नाज़नीन की बेटियों की शादी है ये, तो किचन विद सब जानते हैं कि वो मेरी नंद हैं किचन विद नाज़नीन। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी उनकी नहीं है, अभी हम जा रहे हैं माइयों, और माइयों जो है वो किसकी है आगे बताऊँगी, थोड़ा सा भी नहीं थोड़ा सा सीख। तो यहाँ भाई मैं माइयों में आई हुई हूँ, और माइयों थी किसकी थी, मेरी कज़न की माइयों थी, और वो कज़न है मेरी मामू की बेटी। तो भाई ये जो शादी चल रही है ये मामू के घर पे है, मेरे मामू की बेटी की शादी है, इसमें ना तो एमन की शादी है ना ही उमामा की शादी है। तो मैंने कहा कि वीडियो में क्लियर कर दूँ मैं, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं, पर्सनल में भी लोग पूछ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, और जब होगी तो आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा। तो भाई यहाँ रस्म हो रही है माइयों, पहले दिन का थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाए आपको दिखाने के लिए, और किसी के लिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि देखें आप हर कोई बंदा जो है वो कैमरे के सामने नहीं आता, तो एतराज़ ना हो इसलिए खुद ही थोड़ा लिमिट में रख के जो बस बनाने थे वीडियो, जो क्लिप लेने थे वो मैंने खास क्लिप ले लिए। उसके अलावा इसी में आपको मैं दूसरा दिखा दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा ब्लॉग तैयार किया, क्योंकि कुछ लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं पर्सनल में कि भाई ब्लॉग इतने छोटे क्यों डाल रही हैं और डाल क्यों नहीं रही हैं, तो बिज़ी कहाँ हैं क्यों नहीं आ रहे, तो इसलिए ये स्टार्ट हो गया है दूसरे दिन का ब्लॉग, जिसमें है माइयों, और हम लोग गए थे मेहंदी लेके गए थे दूल्हा वालों के घर पर, तो ये उस दिन का थोड़ा सा ब्लॉग मैंने बनाया है। और आई होप कि आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक का बटन ज़रूर 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 दबा दें, और बेल आइकन का भी बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।